नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों पांचवें चरण के लिए 16 सीटों पर 20 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। पांचवें चरण के लिए ताजा एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 2014 में इन 16 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें गई थी और 2019 में कितनी सीटें जा सकती हैं, राज्य में किसकी बनेगी सरकार, ये काफी चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चरण ही तय कर देगा राज्य में किसकी बनेगी सरकार। अब तक चार चरणों की वोटिंग के बाद 65 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुके हैं और बड़े दिग्गजों का चुनावी रण समाप्त हो चुका है। किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन पांचवा चरण काफी निर्णायक माना जा रहा है। कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की इसमें राय है और कई बड़े एक्सपर्ट लोग ये मानते हैं कि ये चरण काफी महत्वपूर्ण है, जिस कारण से देश के अंदर गतिविधियां चल रही हैं, नागरिकता संशोधन बिल और इसका विरोध किया गया है। हालांकि इसका यहाँ पर पक्षधार भी काफी है, लेकिन यहाँ पर इस बार ये जो चरण है इसमें काफी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम समुदाय आते हैं, जिसमें से इस बार अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में है। और राजमहल की बात करें या सारत या महागामा के लिए बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर बट जाते हैं तो इसका फायदा किसको होगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम इस बार भी उनको ही सपोर्ट करेंगे और राज्य में यहाँ पर बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन जाएगी, लेकिन 18 सीटें ऐसी हैं जो तय करेंगी राज्य में किसकी बनेगी सरकार और आने वाले समय में किसकी होगी जीत। लेकिन किस प्रकार की रैलियां यहाँ पर की जा रही हैं और यहाँ पर पांचवें चरण के लिए भी यहाँ पर चुनावी प्रचार थम चुका है और उसके बाद क्या यहाँ पर एग्जिट पोल सामने निकल कर आ रहा है, सभी बड़े दिग्गज हालांकि यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी, जिसमें सबसे बड़ा दावा यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो 23 दिसंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन पांचवें चरण के लिए जो सबसे ताजा आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे पहले आपको 2014 के भी आंकड़े दिखा देते हैं, इन 16 सीटों के लिए किसको कितनी सीटें गई थी। और ये चरण जो है यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2014 में बीजेपी को 6 सीट इन 16 सीट के अंदर गई थी, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा है और इस बार अजहरुद्दीन ओवैसी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। और अगर जेएमएम की बात की तो 6 सीट उनके खाते में, कांग्रेस के खाते में 3 सीट और 1 सीट जेडीएम को गई थी, अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं, आप पार्टी को 1 भी सीट नहीं। तो ऐसे में 2019 के लिए क्या यहाँ पर आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, देखिए 2019 के लिए कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीट जा सकती है और अगर बात करें बीजेपी के लिए तो बीजेपी को 5 सीट जा सकती है, बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है और यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को 1 सीट का यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो एक एक सीट के भी आंकड़े बहुत जल्द आपके सामने होंगे, कौन कहाँ से जीत सकता है, कहाँ पर कौन चुनावी मैदान में है, तो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन 16 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और फाइनल तस्वीर आपके सामने 23 दिसंबर को सामने हो जाएगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन ये चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।